हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये क्लास 10th की जो साइंस है उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली है क्या? ये एक सिस्टम है जिसका काम है हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी जो वेस्टेज होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं, तो उन वेस्टेज को बाहर निकालने का जो काम करता है वो काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, अगर कोई पूछ ले कि विच इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको बताना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट में किडनी होती है और एक राइट में किडनी होती है। तो दो किडनी हो गई। और एक चीज़ और मैं यहीं पर एडिशनली आपको बता देता हूँ, किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ध्यान रखना। तो दो किडनी और ग्लैंड भी कितनी हो गई? एड्रीनल, दो ग्लैंड हुई एड्रीनल, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी जो मेन यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मेन काम करता है इसमें, ध्यान रखना, ऑर्गन तो कौन हो गया? ऑर्गन तो हो गया किडनी। अब किडनी में भी बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। तो ये मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और मेन जो ऑर्गन है वो है किडनी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है? दो किडनी होती हैं। अच्छा, किडनी में से जो मतलब वेस्टेज निकलेगा जिसको हम बोलते हैं यूरिन, वो आता है, ये दो पाइप सी दिखा रखी हैं यहाँ पे, इन पाइप को बोलते हैं यूरिटर। दो किडनी हो गई, दो यूरिटर हो गए। यूरिटर्स के थ्रू यूरिन जो है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? वो हो जाएगा इस ब्लैडर में। ये जो एक जगह है ब्लैडर, ब्लैडर में यहाँ पे टेम्परेरली जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है। और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा एक स्मॉल ओपनिंग होती है कहाँ पर? आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, पेनिस के थ्रू और एक वेजाइना, तो वहाँ पर पाई जाती है। तो यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है बाहर निकल जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिंपल सा काम है, ध्यान रखना, जो हमारा यूरिन बनता है वो किसके थ्रू बनता है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही बनता है। किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ही मतलब क्या है, यूरिन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अपने ह्यूमन बॉडी में, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से, अगर कोई पूछ ले कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ध्यान रखना, पहला है किडनी। किडनी में लिक्विड वेस्टेज निकलता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं। दूसरा लीवर, लीवर में से नाइट्रोजन प्रोडक्ट निकलते हैं, ये भी वेस्ट है। बॉडी में नाइट्रोजन प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, थोड़े पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। स्किन, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन के थ्रू भी आप देखना, हमारी बॉडी से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है किसके थ्रू? पसीने के थ्रू। तो लिक्विड वेस्ट निकलता है कहाँ से? स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने वाली ग्लैंड्स होती हैं उनसे निकलता है। लंग्स, लंग्स में से क्या चीज़ निकलती है? गैसेस निकलती हैं। कौन सी वाली गैस जो हमारी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए? CO2। तो CO2 को कौन निकालता है? लंग्स निकालते हैं। तो ये मेनली ऑर्गन हो गए जो हमारी बॉडी में, किडनी, लीवर, स्किन और लंग्स। और लार्जेस्ट, अगर कोई पूछ ले हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? स्किन ही है, पूरी बॉडी में स्किन ही स्किन है। तो ये होगी सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या है? अब हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सिस्टम तो क्या आ गया? सिस्टम का तो एक काम हो गया कि बॉडी में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको बाहर निकालना। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, ध्यान देना, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जहाँ पर वेस्टेज या टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से निकाला जाता है। और ये निकालने का जो प्रोसेस है यही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ध्यान देना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। एक नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? तो बताना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मेन ऑर्गन किडनी, किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दो किडनी हो गई, किडनी के ऊपर दो एड्रेनल ग्लैंड्स हो गई और दो यूरिटर हो गई और एक ब्लैडर हो गया, और ब्लैडर के बाहर जो ओपनिंग है इस छोटी सी उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, वेस्ट कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? जितने भी जी एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से है? एक तो होता है अमोनिया, ये वेस्ट है। यूरिया, ये भी एक वेस्ट है, इसको भी ज़्यादा समय तक ह्यूमन बॉडी में नहीं रख सकते। यूरिक एसिड, ये भी एक वेस्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वेस्ट है। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? तो आपको बताना है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर डेफिनेशन आ जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो जब भी बात करें, देखो बायोलॉजी में स्टार्टिंग में शायद पता ही होगी, नहीं तो ध्यान देना, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है सेल।
सेल और सेल मिल कई सारी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन के बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन से मिलकर एक काम किया जाता है। अब मैंने बताया था एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालना। तो निकालने के लिए जो ऑर्गन्स काम आएंगे, निकालने के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट सबस्टांसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में से वेस्ट सबस्टांस को निकालने के लिए जिम्मेदार है उसी सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू निकाला जाता है और वही चीज़ क्या कहलाती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती है। और जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है किडनी, और मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की वो है नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कितने प्रकार के हैं, तो मेनली तीन प्रकार के हैं। अमोनिया, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, यूरिया, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, और यूरिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसी के आधार पर कुछ ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट के आधार पर कौन कौन से एनिमल्स दे रखे हैं उनको एक बार देखते हैं। पहला है आपका, पहला वेस्ट कौन सा है? अमोनिया। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, देखो सुनो, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमीनोटेलिक। ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। देखो सिंपल सा ध्यान देना, जब भी वर्ड एक्सक्रीट आए, एक्सक्रीट का मतलब है बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स बोलेंगे? अमीनोटेलिक एनिमल्स, ध्यान रखना। और अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देना, अमोनिया बड़ी आसानी से नहीं निकलता हमारी बॉडी, सॉरी, जो जिस भी जीव में अमोनिया बन रहा है उसमें से अगर इसको बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH3। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? अगर कोई पूछ ले कि अमीनोटेलिक क्या होते हैं एनिमल्स, उनके एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल फिशेस। अब आपको पता है मछलियाँ पानी में रहती हैं, और पानी में तो पानी है, बहुत सारा पानी, तो आसानी से ये क्या कर सकती हैं? अमोनिया को बाहर निकाल सकती हैं। एम्फीबियंस आपको पता है ऐसे जानवर होते हैं जो धरती, लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट मतलब पानी में रहने वाले जीव। तो पानी में रहने वाले जीव जनरली कैसे होते हैं? आपके एमिनोटेलिक होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कोल्ड अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। दूसरा है यूरिया। तो ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। तो ध्यान रखना, हम किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में आते हैं। अमोनिया ही, यूरिया ही तो निकलता है। और लीवर क्या करता है? अमोनिया, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रोड्यूस बाय दी सेल्स इंटू यूरिया। ठीक है, हमारी जो सेल्स के द्वारा जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया को फिल्टर किया जाता है किडनी में। ध्यान देना, यूरिया कहाँ पर फिल्टर होता है? किडनी में। ध्यान दो, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया सेल्स के द्वारा, उस सेल्स अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। लीवर, लीवर हमारा क्या करता है? जो बॉडी में सेल्स के द्वारा अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और इस यूरिया जो बॉडी में बना है इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो बाहर निकालने के लिए हमारा एक ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है? किडनी, दो किडनी है। तो ये यूरिया जो है ब्लड मिल जाएगा, और ब्लड कहाँ पे जाएगा? किडनी में जाएगा, और किडनी में जाके उसका छन जाता है वो, या मतलब कहें तो हम वो फिल्टर हो जाता है। किडनी में एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ग्लोमेरुलस, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यूरिया, यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेमल्स। मेमल्स में कौन आते हैं? मेमल्स में स्तनधारी जीव आते हैं, ध्यान रखना, जो मिल्क देते हैं, सिंपल ये से याद रख लो। और सी फिशेस, ये किसका एग्जांपल है? मेमल और उसका अमीन, यूरियोटेलिक का। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूरियोटेलिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, अब ये भी क्या है? ये भी एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, सॉरी,
ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। और यूरिकोटेलिक, अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे ध्यान दो, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, मगर यूरिया को निकालने के लिए थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है यूरिन जो हम करते हैं तो यूरिन में बहुत मतलब पानी भी रहता है, आपको पता है पानी की ज़रूरत पड़ती है, मगर यूरिक एसिड को निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम, ना के बराबर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान देना। इसलिए तुम देखना जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ड्स रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रैंक के चलने वाले, कैसे सांप वाप जो होते हैं रैंक के चलने वाले, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, ये देखना ये जब वेस्ट निकालते हैं तो इनका वेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, बहुत थोड़ा मतलब सेमी लिक्विड रहता है, थोड़ा मतलब ठोस सा रहता है। तो ये पक्षी देखे होंगे आपने, पक्षी छेर वेर कर जाते हैं या फिर मतलब करते हैं ना, देखा होगा वो पीट कर जाते हैं, तो उनका तो जो वेस्ट रहता है वो सॉलिड रहता है, देखना आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, यूरिक एसिड को निकालें, यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल वर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंके चलने वाले, और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इनमें मतलब क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, यूरिक एसिड बनता है इन सब में, ठीक है। तो ये तो हो गए वर्ड्स, ये हो गए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आ जाएंगे सब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।